यही नहीं साथियों, देश के लघु एवं मध्यम व्यापारी जिन लोगों ने इनको सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, पहले उनका शोषण जीएसटी के नाम पर किया गया और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के जिले, तहसील, विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है देश में विपक्षी पार्टियों के सभी नेताओं के खिलाफ एक एक कर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से तथ्यहीन मुकदमे दर्ज करा करके उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी हो, चाहे बिहार के लालू जी तेजस्वी हो, और वहां के मुख्यमंत्री जी जो पलटू राम बनकर के पलटी मार गए, नीतीश जी हो, वो भी इसी दांव के चक्कर में घुटना टेक दिए चले गए, और चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हो, इस प्रकार से देश में जहां जहां भी विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा न हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा न हो, आज लोकतंत्र को बचाने की बात न हो, संविधान से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग भाग्य भगवान का सहारा लेकर, धर्म की दुहाई देकर, इस देश में नफरत का बीज बोकर समाज